कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 साल के 79,238 लोगों को पहले दिन कोरोना टीका दिया गया। टीकाकरण को लेकर राज्य में 624 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। कई लोग तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए। लंबे इंतजार के बाद युवाओं को टीका दिए जाने के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय के कारण लोगों में काफी उत्साह था। बिहार में कोरोना वायरस की चपेट में अब आम लोग ही नहीं बल्कि खास भी आने लगे हैं। बीजेपी के MLC टुन्ना पांडे व बड़हरिया विधायक बच्चा पांडे के भाई 39 साल के धनंजय पांडे की कोरोना से मौत हो गई है। पटना के 3 निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई। हनुमान नगर स्थित बुद्धा हॉस्पिटल पर एक मरीज से एक बेड के लिए 50,000 लेने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर बाईपास के 2 निजी अस्पतालों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर पूछा है कि COVID-19 की सूची में जब उनका नाम नहीं है तो कैसे उपचार कर रहे हैं। कोरोना काल में अमनौर सामुदायिक केंद्र परिसर में रखी दर्जनों एम्बुलेंस के साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव द्वारा कथित छेड़छाड़, तोड़फोड़, फिरौती की मांग और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी और संयोजक के साथ बदसलूकी मामले में दर्ज केस की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। जांच का जिम्मा थाने के ASI राम पदारथ पंडित को दिया गया है। पटना वासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा है। जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले 3 दिनों से संक्रमण की दर कम हो रही है। दूसरी लहर में 26 अप्रैल को सबसे ज्यादा संक्रमण दर थी, तब संक्रमण की दर 39.5% तक पहुंच गई थी। गया में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बाराचट्टी थाना क्षेत्र में GT रोड जयगीर मोड़ के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। सुपौल के डगमरा पंचायत के राजपुर वार्ड 1 में ठनका गिरने से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा है। निजी अस्पतालों को कोरोना के सरकारी किट बेचने में मुजफ्फरपुर की सकरा पुलिस ने 5 स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुजफ्फरपुर के सकरा के सुस्ता मार्कन गांव और शहर में सदर अस्पताल समेत कई जगहों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 4,000 एंटीजन किट समेत भारी मात्रा में PPE किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर समेत अन्य जरूरी सामान जब्त किया गया। कटिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। जिला प्रशासन ने लोकमान्य टर्मिनल एक्सप्रेस से कटिहार आ रहे करीब 226 अवैध ऑक्सीजन सिलेंडरों को जब्त किया है। सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को ट्रेन से उतारकर 4 पहिया वाहन में लोड किया जा रहा था। उसी दौरान स्थानीय प्रशासन की टीम पहुंची और सारे ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया गया।